हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 2। कमला बोरोड रुपीज 26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। कमला ने 26,400 रुपीज बैंक से ले लिए, लोन पे लिए हैं, उसको स्कूटर लेना है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% है। वॉट अमाउंट शी विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन। तो 2 साल और 4 महीनों बाद उसे टोटल बैंक को कितने रुपए देने पड़ेंगे ताकि उसका जो लोन है ना वो क्लियर हो जाए। तो देखिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, एक तो 26,400 तो देने ही देने हैं, प्लस इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो भी कमला को देना है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है उनको आप कॉपी कीजिए। सवाल के अकॉर्डिंग आपका जो प्रिंसिपल है वो है 26,400, रेट 15% है और टाइम दे रखा है 2 years 4 months। तो इससे हम अमाउंट निकालेंगे, लेकिन अमाउंट हम ना डायरेक्ट सिर्फ 2 year का निकाल सकते हैं। तो पहले हम 2 year का अमाउंट निकाल लेंगे और बाकी के जो 4 महीने बचेंगे ना उनको हम बाद में करेंगे। तो पहले 2 year का अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट आफ्टर 2 years, इसका ये मतलब है कि 26,000 के 2 साल बाद कितने रुपए बन जाएंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी 1 + rate/100 और यहाँ पे हम टाइम लेंगे ये टी। इसमें ये भी लिखा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली, यानी साल में एक ही बार जो है ब्याज को कैलकुलेट किया जाएगा। तो एनुअली में आपको कुछ चेंज नहीं करना होता, जैसी चीज़ें होती हैं रेट और टाइम सेम रहता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। प्रिंसिपल है 26,400, 1 + rate है 15% अपॉन में ये 100 हो गया और टाइम 2, हम 2 साल का पहले निकाल रहे हैं। तो 26,400 ब्रैकेट के अंदर 15 और ये 100 है, ये 5 से कट रहे हैं। 5 3 = 15 होता है और 5 20 = 100 होता है। तो यहाँ बच गया 20, यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये प्लस में 3। तो जब ऐसे 3 नंबर होते हैं, मैं इसे एक बार कॉपी कर लेता हूँ, साफ दिखेगा आपको ये +3/20 और इसकी पावर ये 2 भी है। तो जब ऐसे 3 नंबर होते हैं तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है और ये वाला इसमें प्लस हो जाता है, अगर माइनस हो तो माइनस हो जाता है। तो 26,400 और ब्रैकेट में बन गया 20 + 20 और प्लस में 3 यानी 23। नीचे जो है वो इसका LCM है, एज इट इज रहेगा 20। और क्योंकि ये 2 बार है तो इसे आपको 2 बार खोलना है ऐसे। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा। देखिए नीचे का 0 ऊपर के 0 से कट गया, ये वाला 0 इस 0 से कट गया, ये 2 है, ये 264 है, ये दोनों 2 पे कट रहे हैं, ये 2 1 ज़ार पे आ गया। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 132 आ गया। ऐसे ये वाला 2 और ये वाला 132, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 2 से डिवाइड होकर 1 आ गया, ये 2 से डिवाइड होकर 66 आ गया। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं है, ऊपर ऊपर आपका 66 इंटू में 23 और इंटू में 23, ये 3 नंबर आ गए। इन तीनों का जब प्रोडक्ट आप करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 34,914। तो ये वो अमाउंट है जो 2 साल का है, लेकिन 2 साल के बाद 4 महीने भी तो हैं, यानी 4 महीने अभी बाकी हैं, तो 4 महीने के ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो वो जो 4 महीने का ब्याज है यानी कि जो इंटरेस्ट है वो हम इसके ऊपर निकालेंगे और फॉर्मूला लगेगा उसके अंदर, आप सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर 4 months, 4 महीने का इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो प्रिंसिपल लेंगे आप ये चीज, गलती से ऊपर वाला मत ले लेना। जो 20,000 है उनके 2 साल में 34,000 बन गए, ये कमला को देने हैं। अब इनके ऊपर भी 4 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, वो हम इससे निकाल रहे हैं। तो इसके ऊपर लगेगा, ये प्रिंसिपल है हमारा 34,914, रेट 15% ही रहेगा और टाइम देखिए, ये जो फॉर्मूला है एनुअली का है, साल यहाँ पे हमें 4 महीने दे रखे हैं, तो 4 महीने को हम साल बना लेंगे तो हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं ना। अगर हमें महीने दे रखे हैं, सॉरी यहाँ पे
ये मैंने 4 लिखना है, गलती से लिख दिया, तो ये 4 है, 4 मंथ्स हैं, मंथ्स के ईयर बनाने के लिए 12 से डिवाइड कर लेंगे, तो अब ये ईयर ही बन गया, और इन सब के नीचे ये 100 भी होता है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें 4 और 12 तो कट ही रहा है, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, ये वाला 3 15 से कट रहा है, 3 1 जा 3 होता है और 3 5 जा 15 होता है। अब कुछ बचा नहीं, ऊपर ऊपर 3 4 9 1 4 की मल्टीप्लाई 5, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 174570, और ये नीचे 100 भी है, ये वाला 100। जब इस 100 को हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे ना 100 से, तो पॉइंट लग जाएगा दो अक्षर छोड़ के पीछे से, यानी कि ये चीज़ 174570 है, पीछे के दो अक्षर छोड़ दीजिए, एक और दो, ये पॉइंट लग गया। तो ये जो 1745 और 0.70 ये पैसे हैं आगे के, ये 4 मंथ्स का इंटरेस्ट है, ये भी इसके अंदर जुड़ जाएगा, तो वो जो पैसे बनेंगे ना उतने देने हैं कमला को। अब हम टोटल अमाउंट निकालेंगे, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा, टोटल अमाउंट में आपका एक तो 34 वाली फिगर जुड़ जाएगी 34914, और इसके ऊपर जो ये इंटरेस्ट आया है, ये 1700 जो इंटरेस्ट आया है, ये वाला, ये भी जुड़ जाएगा। ये डेसिमल में, तो डेसिमल का आप ध्यान रखना, इसमें तो डेसिमल है नहीं, तो आप दो ऐसे पॉइंट लगा के दो अक्षर लिख लीजिए, ये पैसों की जगह है, यहाँ डेसिमल लगाइए, ये 70 इधर लिखा जाएगा डेसिमल से, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ना आप नंबर्स का इनका बड़ा ध्यान रखा करें, और डेसिमल की सब्ट्रैक्शन एडिशन में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल होना चाहिए। इनका सम करते हैं, तो ये 0 आया, ये 7 आया, ये 9 आ गया, ये 5, ये 6 आ गया, ये 1456 और ये 3, ये अमाउंट बन गई है 36,659, और ये 70 पैसेज हैं। अब अपना आंसर बुक की लैंग्वेज में लिखेंगे, देयरफॉर कमला हैज़ टू पे, कमला को पे करना है रुपीज़ 36,659.70, ये आपका आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।